हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में वैदिक कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वैदिक पीरियड का जो फेस था वो क्या था और आर्यंस जो था उनका ओरिजिनल होम क्या है, वो कहाँ से आए, उनका और वो किस तरह से सेटल हुए और लिटरेचर कौन कौन सी थी वैदिक की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर 4 का पार्ट 1 है। तो आपने बाकी वाली सीरीज जरूर देखी होगी यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की। अगर नहीं देखा होगा आपने तो यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की हमारी एक प्लेलिस्ट चल रही है ऑलरेडी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे टिस्का एकेडमी पे, वहां पे आपको यूपीएससी कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और या एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पे भी जा सकते हैं आप, उस नाम की भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एकदम हम लोग शुरू से एकदम शुरुआत किए हैं, अभी आपने क्लासेस मिस नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी नोटिफिकेशन, आपको हमारी कोई भी नई वीडियो जब लोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही साथ आप में से कई लोग की ये क्वेरी थी कि आप लोग हमसे संपर्क करना चाह रहे थे और आपको ऐसा कोई माध्यम नहीं मिल रहा था, जैसे कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते, तो इसके लिए आप हमारे इस हैंडल पे जा सकते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए आप यहाँ आ सकते हैं और व्हाट्सएप के लिए हमें इस नंबर पे आ सकते हैं आप। तो देखिए, और ये हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि अगर मान के चलिए यूट्यूब से आप अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती आपको, आपको मिस हो जाती है हमारी वीडियो, तो आप फेसबुक से जाके नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारी नई वीडियो लोड हुई है, जिसका फायदा आपको भी होगा और थोड़ा मुझे भी होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो। तो ये वैदिक फेस के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें, देखिए हड़प्पा कल्चर में ऑलरेडी पढ़ा दिया है आपको। तो हड़प्पा कल्चर जो था वो डिक्लाइन हो गया था, जैसे बताया है मैंने पिछली वीडियो में आपको, 1500 BC में वो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। तो अब क्या था कि जो इंडो ईरानियन रीजन है, जहां से इंडिया, जैसे इंडिया का जो, जैसे जैसे मान के चलिए अगर ये इंडिया का एक मैप मान लू, ये मैप है, ये सॉरी मैं ये मान लीजिए ये मैं मान लू ये एक इंडिया का मैप है। तो इसमें जो जो ये डायरेक्शन होता है, जैसे वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो इसमें ये जो पार्ट है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पड़ता है। देखिए आप ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट को बस समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है पार्ट है। तो यहीं से ईरानियन में जो अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान से हुआ ईरान है, तो बीच में पाकिस्तान पड़ता है। तो इस तरह से चीजें हैं, हालांकि इंडिया की डायरेक्ट बॉर्डर भी पड़ता है अफगानिस्तान के साथ, वो हम लोग ज्योग्राफी में आपको डिटेल पढ़ाएंगे अपने मैप के सेक्शन में। तो वह ये कि जो ये जो इंडो ईरानियन रीजन था, वहां से इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलने वाले और संस्कृत बोलने वाले लोग इंटर किए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। मैंने आपको पता चल गया होगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही इंटर क्यों किए, क्योंकि ये आर्यन थे बेसिकली, और आर्यन कौन थे अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये ईरानियन रीजन से आए थे, मतलब कहां से आए थे लोग पूछते हैं, तो ईरानियन रीजन से आए थे। तो और ये वहां की वैलीज में सेटल हो गए, नॉर्थ वेस्ट में जहां भी इनको जगह मिला वहां वो सेटल हो गए, और पंजाब जो के प्लेन्स में भी ये थे, ये दो जगह ये सेटल हुए, और बाद में ये गंगेटिक प्लेन यानी कि ये बढ़ गए नॉर्थ इंडिया की तरफ भी बढ़ गए, पहले तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे, फिर वहां से वो शिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ बढ़ गए। अब देखिए इसका कारण क्या था नॉर्थ की तरफ बढ़ने का, उनके पास जानवर थे, मतलब वो पालते थे, जैसे पशुवारा जिसको कहते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, तो वो थे वो, तो वो जो उनका चारा होता है पशुओं का, वो जैसे एक जगह से वो एक जगह का चारा यूज कर लिए, तो वहां के उनके जितने जानवर थे उनके पास काफी बड़े संख्या में, मतलब हजार हजार की संख्या में उनके पास जानवर होते थे। तो उसको वो क्या किए कि चारा भी हजार जानवर अगर खा रहे हैं कहीं, तो कुछ समझ लीजिए कि थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो उस एरिया का बहुत ज्यादा दिन तक वहां का जो उनके लायक भोजन है बचेगा नहीं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उसी तरह वो खाने की तलाश में वो आ गए नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, और वहां से गंगेटिक प्लेन की तरफ यानी गंगा की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद 6th century BC में उन्होंने नॉर्थ इंडिया को ही कब्जा कर लिया। अब देखिए जैसे धीरे धीरे सेटल हुए, सेटल होने के बाद उनको उनको उस जगह की उपयोगिता को समझ में आई और फिर वो वहीं पे सेटल हो गए। अब देखिए तो ये था इनका, मतलब कि किस तरह से ये आया, क्या था इनका। अब हम बताते हैं आपको कि वैदिक पीरियड जो होता है ये डिवाइड हुआ है किस तरह से। देखिए इसको तीन फेज में डिवाइड किया गया था, अर्ली वैदिक फेज, लेटर वैदिक फेज और वैदिक फेज। तो इसमें हम अर्ली वैदिक फेज, ऋग वैदिक फेज और लेटर वैदिक फेज के बारे में बताते हैं। यह 1500 से 1000 BC का पीरियड, ये पीरियड याद रखिएगा, इसको ऋग वैदिक फेज भी कहा जाता है, ऋग्वेद इसी समय बना था। और लेटर वैदिक फेज जो है वो 1000 से 600 BC के आसपास ये होता है, इसको एक लमसम इसको ही माना गया है। अब हम बात करते हैं आर्यंस की, कि आखिर क्या इनकी कहानी है। देखिए
अभी आर्यन का ओरिजिनल होम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडो ईरानियन जगह से वो आए थे, ईरान से आए थे, वो तो देखिए वो तो कंफर्म माना गया क्योंकि वो 90% जो स्कॉलर्स है उन्होंने ये बात कही है। लेकिन इनका ओरिजिनल होम जो है अभी कि मतलब एग्जैक्ट ये कहाँ के रहने वाले थे, मतलब होता ना कि कोई आदमी कहाँ का एग्जैक्ट रहने वाले, जैसे मान लीजिए आप कहीं किसी गाँव से बिलोंग करते हैं यूपी के, मान लीजिए आप यूपी के बलिया से बिलोंग करते हैं और आप मान लीजिए कहीं आप लखनऊ में शिफ्ट हो गए हैं अपने पिताजी की नौकरी या किसी के कारण, तो लेकिन आपका ओरिजिनल होम कहाँ है, आपका ओरिजिनल होम तो बलिया में ही है। ये उसी तरह था, इनका ओरिजिनल होम भी अभी भी डिबेटेबल है, यानी कि अभी इस पे भी काफी डिबेट चलती रहती है जो भी विद्वान पुरुष हैं, स्कॉलर्स हैं उनके बीच में, जो रिसर्चर हैं उनके बीच में, तो अभी इसका मतलब कोई एग्जैक्ट पता नहीं है, अभी भी ये डिबेट वाली चीज है। और लेकिन कुछ लोगों का जैसे अब कुछ लोग जो है वो अपना अपना तर्क रखते हैं, कहते हैं आर्कटिक रीजन से आए थे, कुछ लोग कहते हैं जर्मनी से आए थे, कुछ लोग कहते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं साउथ रशिया से आए थे। ये बाल गंगाधर जो तिलक थे जो आप उसके बारे में इनके बारे में हम आपको बहुत मॉडर्न यूनिवर्सिटी में इनका बहुत अहम योगदान था, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अभी फिलहाल मैं बताता हूँ कि इनका क्या व्यू था, क्योंकि ये भी इन सब चीजों में काफी इनका इंटरेस्ट रहता था। तो इन्होंने बताया कि इनका मानना ये था कि आर्कटिक रीजन से आए थे, इनका अपना मानना था। अब देखिए लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मानी हुई चीज है वो साउथ रशिया थियरी है, साउथ थियरी को लोग एक्सेप्टेबल मानते हैं। तो कारण है कि वहां के लोगों का जो क्वालिटी है वो रशिया के लोगों से काफी हद तक मिलना, वो भी रशिया के साउथर्न पार्ट से, तो के लोगों से मिलना काफी उनकी जो क्वालिटीज मिलती है उसके बेस पे इन्होंने बताया कि आर्यंस जो है वो साउथ रशिया से आए, ये थियरी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसको लोग मानते हैं। अब देखिए इंडिया में एंटर किए 1500 BC, मैंने आपको पहले बता दिया, इसीलिए इनको कहा जाने लगा इंडो आर्यन कहा जाने लगा, इंडो यानी इंडिया से और ये आर्यन, आर्यन तो भाई थे ही है। ये देखिए एक लैंग्वेज भी बोलते थे इंडो आर्यन, इनकी लैंग्वेज थी और ये संस्कृत लैंग्वेज भी ये बोलते थे, दो लैंग्वेज बोलते थे। तो ये था आर्यंस के बारे में एक ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया, जो काम की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो नहीं खींचनी है क्योंकि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती है यूपीएससी में, लेकिन हम आपको वो सारी इंपॉर्टेंस दे देंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे जो आप एग्जाम में क्लियर करने के लिए आपको चाहिए। तो देखिए वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं, तो देखिए वैदिक लिटरेचर में सबसे पहले जानते हैं वेदा। देखिए वेदा कहां से, वेदा का रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड क्या होता है, किसी भी चीज का रूट वर्ड क्या होता है, रूट यानी उसकी जड़, जड़ क्या होता है, जड़ यानी कि जहां से उस चीज की शुरुआत हुई है। तो इसका जो शुरुआत हुआ है वो विद से हुआ है, विद का मतलब क्या होता है, टू नो यानी जानना। तो वेदा का रूट वर्ड है विद, विद का मतलब होता है टू नो यानी जानना। इसका क्या और दूसरा मतलब है, इसका मतलब है सुपीरियर नॉलेज, सुपीरियर नॉलेज भी इसको कहते हैं, जो कहते हैं ना कि एक असीम ज्ञान, एक हायर नॉलेज, एक अलग लेवल का नॉलेज, तो वो चीज होता है सुपीरियर नॉलेज को कहा गया है, जिससे ऊपर कोई नहीं है। और इसके लिटरेचर में कंसिस्ट करते हैं चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, चार वेद है इसमें। अब देखिए हम आपको एक एक वेद की क्वालिटी बताते हैं। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है, इसमें 1028 हाइमंस है यानी श्लोक है। अब देखिए हाइमंस जो होता है इसमें जो है वो जो ऋग्वेद में दिया गया है वो गाया जाता है, जो इसमें ऋग्वेद में दिया गया है वो जो अलग अलग गॉड होते हैं जैसे इंद्र हुए, वायु हुए, तो इन लोग के जो इन लोग को खुश करने के लिए ये जो गाया जाता है वो सॉन्ग है, वो सारे हाइमन को श्लोक बना के इसमें दिया गया है संस्कृत में। यजुर्वेद की बात करते हैं, यजुर्वेद में ढेर सारे रूल्स दिए गए हैं जो सेक्रीफाइसेस के समय, यानी जो भी अगर कोई तप करता है या कोई राजा मान लीजिए कोई अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसमें होता था कि अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि घोड़े को कोई राजा अपने देश के घोड़े को छोड़ देता था और घोड़ा जितने दूर तक जाता था और जितने राज्य तक जाता था उस राज्य का कोई राजा अगर राजा से की सहमति मान लेता है, राजा के अंदर काम करने को तैयार हो जाता है, तो वो जो राजा जिसका घोड़ा रहता था वो उस दूसरे राज्य का भी वो राजा बन जाता था। और अगर दूसरे राज्य का राजा मतलब यूपी से अगर वाली कोई राजा छोड़ा, मान ली यूपी से योगी आदित्यनाथ जी ने एक घोड़ा छोड़ दिया, अब वो गया गुजरात चला गया, वो अब गुजरात गया वो, लेकिन गुजरात की जो सीएम है वो उन्होंने मना कर दिया इस चीज को कि उन्होंने कहा कि नहीं, तो सीएम गुजरात के सीएम और यूपी के सीएम युद्ध हो जाएगा, जो जीतेगा उसका राज्य होगा दोनों, और जो हारेगा उस दूसरे का भी राज्य ले लेगा। तो ये इस तरह से होता था, एक मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको एक इस तरह से चीजें होती थी। अब देखिए अब बात करते हैं सामवेद की, सामवेद देखिए ये सब जानना आपको जरूरी है कि आखिर हर वेद की क्वालिटी क्या थी। हर वेद जैसे मैंने आपको बता दिया जो ऋग्वेद होता था उसमें गॉड्स को खुश करने के लिए 1028 जो उसमें श्लोक दिए गए थे, यजुर्वेद में जो सेक्रीफाइसेस तप होते हैं उनके लिए जो रूल्स वगैरह होते हैं वो दिया गया था, सामवेद क्या था गाना था, इसको गाने से रिलेटेड था, इसमें ट्यून्स दिए गए थे जो सेक्रीफाइस के समय, देखिए सेक्रीफाइस के समय जो भी रूल रेगुलेशन है वो यजुर्वेद में दिया है, और उस समय जो गाना गाना है उस समय या जो भी श्लोक वगैरह पढ़ना है वो जो ट्यून होती है, ट्यून देखिए श्लोक हम लोग ऋग्वेद से ले लिए और जो ट्यून होती है उस ट्यून को सेट करने का सामवेद में दिया गया है, इसीलिए इसको बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं। एग्जाम में आ जाता है कि बुक ऑफ चैंट्स किसे कहा जाता है, चार आपको दे देगा ऑप्शन, यही इन्हीं चारों का नाम आपको दे देगा, उसमें से आपको चुनना होगा कि सही क्या है।
बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है सामवेद को। तो इसको ये इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन भी कहा जाता है, इसी से आया है इंडियन म्यूजिक का ओरिजिन भी यहीं से है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद में क्या है, डिटेल्स और रिचुअल्स है, जो रिचुअल होते हैं जैसे कि किस तरह से किसी चीज को परफॉर्म करना है सैक्रिफाइसेस के समय, वो सारी चीज अथर्ववेद में दी गई है। तो देखिए ऋग्वेद में क्या है, गॉड्स को खुश करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए जो श्लोक होते हैं वो दिए गए हैं। और यजुर्वेद में क्या है, जो सैक्रिफाइसेस होते हैं तब होते हैं, उनसे रिलेटेड डिटेल रूल्स के डिटेल है वो दिए गए हैं। सामवेद में क्या दिया गया, सैक्रिफाइसेस के समय जो गाना गाया जाता है उसका जो ट्यून होता है म्यूजिक उसके बारे में। अथर्ववेद में क्या दिया गया, जो रिचुअल्स का डिटेल होता है कि किस तरह से किसी भी रिचुअल को परफॉर्म करना है, वो चीज का अथर्ववेद में डिटेल में दिया गया है। अब देखिए, अब यही नहीं था कि यही चार वेद नहीं थे पहले के समय में, सेक्रेड जो पवित्र बुक कहा जाता था वो नहीं थे, बल्कि और भी थे। और ये कौन कौन से थे, ब्राह्मणास थे, उपनिषद थे, आरण्यक थे और एपिक्स थे, जो कि रामायण और महाभारत को एपिक कहा जाता है। अब देखिए ब्राह्मणास के बारे में बता दे रहे आपको, ब्राह्मणास में क्या था, प्रेयर्स और सैक्रिफाइस दिया गया था किसी भी सेरेमनी, यानी कोई भी जब पवित्र कार्य होता है तो उसके समय जो सैक्रिफाइस किया जाता है तब के समय, या जैसे कि यज्ञ आहुति होती है वो, और कोई प्रेयर्स होते हैं उसके लिए था। उपनिषद में क्या था, फिलोसफी वाली चीजें दी गई थी जो डील करती हैं जैसे आत्मा के बारे में, एब्सोल्यूट के बारे में, जो होता है ना एकदम परम जो होता है, परम सुख होता है वो, उस चीज के बारे में, और वर्ल्ड्स के ओरिजिन के बारे में, और जो मिस्ट्री नीचे का मिस्ट्री जैसे कि पहले क्या, पहले कौन आया धरती पे, पुरुष आए कि स्त्री आए, इस तरह की चीजों की जो फिलोसफी वाली चीजें होती है वो सारी उपनिषद में आती है। आरण्यक्स जो है, आरण्यक्स को फर्स्ट बुक्स आते हैं, फर्स्ट बुक्स मतलब इनके अंदर में आते हैं, और ये जो है डील करती हैं वही मिस्टिसिज्म हो गया, जैसे कि जो अंधविश्वास होता है उस पर, रिचुअल्स जो होते हैं, राइट्स होते हैं, यानी कि जो भी परफॉर्म किया जाता है, जो भी तप वगैरह होते हैं उस पर, इस चीज। रामायण आपको बताइए, ये सारे ऑथर इसके थे वाल्मीकि, याद कर लीजिए, और महाभारत के जो ऑथर थे वो थे वेदव्यास। अब देखिए हमारी जो अगली वीडियो आ रही है, ये इस वीडियो में हमने यहीं तक आपको बताया, अगली वीडियो जो हमारी आ रही है वो हम ऋग वैदिक एज के बारे में बात करेंगे, जो कि 1500 से 1000 BC के बारे में डिटेल में, और ऋग और लेटर वैदिक एज जो कि 1000 से 600 BC इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, सोशल लाइफ क्या थी उस समय के लोगों की वो जानेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, धर्म कैसे अपनाते थे वो, ये चार चीजें हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इसको शॉर्ट बनाया है, पार्ट टू में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी हमारी वीडियो एकदम धड़ल्ले से लोड हो रही है, इसको एकदम मिस मत करिएगा। कोई अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा, और कोई भी क्वेरी हो हमको इन तीनों में से, यानी इंस्टाग्राम का ये हैंडल है हमारा, ये फेसबुक का है और ये व्हाट्सएप का, इसे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप पूछ सकते किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, सारे आंसर आपको मिलेंगे। तो और ये है, और कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करना तो भी आप कर सकते हैं, इस नंबर पे भी आ सकते हैं, रिच गाय पे भी जा सकते हैं, हमको फॉलो कर लीजिएगा रिच गाय पे भी, और फेसबुक पे टिस्का अकेडमी पे भी का भी पेज है, वो भी आप जो है देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, चैनल को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। फ्रेंड्स अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।